सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 9 से 15 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन सौंप देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, सांसारिक दृष्टिकोण के लोग शास्त्री और फरीसी के समान अपने लिए आदर सम्मान, प्रशंसा व महिमा, उपासना व भक्ति प्राप्त करने के लिए पैसे धन संपत्ति का उपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं। धन संपत्ति में ईमानदारी दिखाने के लिए ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं, हमें खतनी और करनी में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ईमानदार निकले तो बड़ी बातों पर भी ईमानदार हो सकते हैं। सांसारिक भोग विलास, सुख आराम की जिंदगी और नाम पद पाने की अभिलाषा, ये सब मनुष्य को गिरा देता है। जब वह इन चीज़ों के गुलाम बन जाता है तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ईश्वर मनुष्य के ना केवल बाहरी आचरण को देखता है, बल्कि मानव के आंतरिक उद्देश्य को भी झांक लेता है। इसलिए छोटी जिम्मेदारी के श्रेष्ठ प्रबंधन द्वारा हम विश्वासी बनते हैं और हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है।